अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, अभी बच्चे स्कूल गए हुए थे और आज इनका ना लास्ट डे था स्कूल का, तो आगे इनको छुट्टियाँ हो जाएंगी और घर पे इन्होंने ये सब काम ना मुझे ठीक से करने नहीं देने, इसलिए मैंने सोचा कि इनके स्कूल से आने से पहले ना मैं ये ज़रूरी काम कर लेती हूँ, क्योंकि लंच में ना मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी। तो बस मैं अपने रूम में आ गई थी और बेड के नीचे से मैंने सब चीज़ें निकाली और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हुई थी, कुछ चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं थी। और ये बैग जो है ना, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत टाइम से संभाल के रखा हुआ था, तो अब मैंने सोचा कि इसको मैं बैग में रख लेती हूँ। इसकी पैकिंग भी वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन इतना बड़ा और हैवी बॉक्स जो है ना, मैं साथ तो नहीं लेके जा सकती हूँ, तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं अपना ड्रेस रख लेती हूँ ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। और ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे पाकिस्तान साथ लेके जाना था, क्योंकि इसकी ऑल्ट्रेशन करानी है मुझे। इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मैं कटिंग करा के ऑल्ट्रेशन करा लूँगी, तो फिर ये जो है ना ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। यहाँ पे टेलर्स नहीं होते ना, और कोई मशीन भी नहीं है मेरे पास घर में, वरना मैं खुद ही कर लेती, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टिचिंग जो है ना वो मुझे करनी आती है। अम्मी ने ना शादी से पहले हम सभी बहनों को सिखाया था, तो टेलर आते थे घर पे और हमें उन्होंने प्रॉपर सिखाया था कि किस तरह से कपड़े स्टिच करते हैं। खैर, यहाँ पे अब मैं सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है ना वो बैग में रख रही हूँ जो हमने पाकिस्तान लेके जाने हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने पहले से लेके रखी हुई थी, तो छोटे बैग में रखी थी। अभी कुछ दिन पहले हमने और चीज़ें बाय की थी, तो इसलिए ज़्यादा हो गया था सामान, और मेरे कमरे में ना बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन सबको मैं समेट के रख लेती हूँ और साथ साथ पैकिंग कर लूँगी, तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। ये जो 10 दिन है ना, इनमें मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं, तो मैंने तो एक लिस्ट बना ली है जिसमें मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि क्या क्या काम मुझे जो है ना करने हैं इन 10 दिनों में। और अभी आपको भी बताऊंगी कि कौन से काम हैं। यहाँ पे ये चीज़ें अभी बाहर ही रखी हुई थी, तो ये भी मैं फ़िलहाल डेन में ही रख दूँगी, क्योंकि रूम में ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब एक्स्ट्रा। हमारा जो डेन है ना, वो वैसे कभी भी खाली नहीं हो सकता, जितनी भी कोशिश कर लो वहाँ पे सामान जो है ना वो रखा ही रहता है। तो खैर, अभी मैं बच्चों को स्कूल से लेने आके थी और बच्चे आज बहुत खुश थे, क्योंकि अभी उनको छुट्टियाँ होने वाली हैं। It was the last day of the school, Ali. आज फिर बच्चे जो है ना इतनी सारी कैंडीज़ ले आए थे स्कूल से, क्योंकि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो फिर जो चीज़ें हलाल नहीं होती हैं वो फिर ये मुझे दे देते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी इनकी होती हैं लेकिन मेरे पास ही होती हैं, तो डेली जो है ना उनमें से मैं इनको एक दो दे देती हूँ। और बस इसके बाद बच्चों के साथ ही पूरा दिन गुजरा, कुछ खास ब्लॉगिंग भी नहीं की मैंने, कुछ क्लिप्स लिए थे, शब मेराज थी तो उसके बारे में बच्चों को बताया, और ये जो कार्टून्स होते हैं ना इसके थ्रू भी मैं बच्चों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम इससे सारा डिस्कस करते हैं। इस तरह से ना बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो बस मैं बच्चों को बता रही थी कि नमाज का तोहफ़ा मिला था शब मेराज पे, और पहले 50 नमाजें थीं, और किस तरह से फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट की और फिर वो 5 नमाजें जो हैं वो हम पे फ़र्ज़ हो गईं। मगरिब के बाद हमारा डिनर का टाइम हो गया था, और एक दिन पहले ना मैंने चिकन जलफ्रेजी बनाया था तो वो लेफ़्ट ओवर था, तो बस उसके साथ मैंने राइस बॉयल किए और ये हमारा डिनर था। और नेक्स्ट डे जो है ना हमने जाना था शॉपिंग के लिए। अली देखो आ गई क्या? नहीं। अमान आप चेक करो, आ गई है? बाहर जा रहे हैं। ओके, अच्छा देखो आए तो फिर मुझे बताना। अभी हम लोग जाने लगे हैं मॉल और सब लोग रेडी हैं, बस टैक्सी का वेट कर रहे हैं। तो बाहर वैसे गाड़ी खड़ी है, मुझे चलानी भी आती है, लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन ना मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मैं अभी पाकिस्तान जाके। टैक्सी जो है ना वो हमें इस बार तोहफा मिली थी, इतनी खटारा थी, मतलब पता नहीं चल कैसे रही थी, और बच्चों को इतनी हंसी आ रही थी। एक सीट तो इसके बिल्कुल ही ब्रोकन थी जो ड्राइवर सीट थी, और बिल्कुल पीछे थी, तो कहा भी सही हमने उसे कि आगे मूव करें, लेकिन उसने कहा कि ये मूव होती ही नहीं है, तो आई तल बहुत मुश्किल से फंस के बैठी हुई थी, और अमान के इसलिए जो है ना दांत निकल रहे थे। बच्चों की टसलबाजी जो है ना ये चलती रहती है, स्पेशली आयतल और अमान की, और आयतल का मूड अभी सख्त ख़राब था, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ठीक हुआ वो बाद में। और ये देखें, इस तरह से कुछ दिखती थी ये टैक्सी, ड्राइवर सीट के पीछे आयतल बैठी थी और उसके पास ना पाँव रखने की जगह ही नहीं थी, तो हम लोग इसलिए थोड़ा साथ होके बैठे थे ताकि उसको सीट पे पाँव रखने की ना थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, और क्लिप मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो माइंड ना करे। तो बस इसी तरह से ही हंसते हंसाते हम पहुँचे मॉल, और मैं बच्चों को यही कह रही थी कि अच्छी बुरी चीज़ें जो है ना होती रहती हैं, लेकिन हमें अपना मूड जो है ना वो ख़राब नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के पीछे, बल्कि इन्जॉय करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को। कहीं और देखना पिछले
अच्छा तो आपने क्या लेना है? लेगो स्टोर से क्या लेना है? पोकेमॉन कार्ड कोई फ्रेंड्स यूज करते हैं या वैसे खुद को आपको? अच्छा याद है ना कितने ज़्यादा पहले भी पैसे आपने वेस्ट किए थे? जी देखो अली मैं आपको पहले बता दूँ कोई टॉय नहीं लेना आपने ओके प्रॉमिस करो अच्छा फिर बाद में कहोगे मेरा डे लो कर सकते क्या? देखो अगर आप देखोगे टच करोगे फिर आपका दिल करेगा कि मैं ले लूँ ऐसे ही है ना ऐसे ही होता है ना हर बार हाँ इसलिए तो कह रही हूँ अच्छा टैक्सी जो है ना वो देखने में बिल्कुल खटारा थी लेकिन चलती बिल्कुल ठीक थी तो यहाँ पे वैसे इस तरह की गाड़ियाँ ना यूजुअली नज़र नहीं आती हैं कभी कभी इस तरह का चांस बनता है तो खैर वापसी पे जो हमें मिली थी ना वो तो इससे भी बड़ा तोहफा थी और मैं आपको दिखाऊंगी इतनी हंसी आई ना रास्ते में वापसी पे मैंने रिकॉर्ड भी किया था तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के। खैर हम लोग मॉल पहुंच गए थे खैर खैरियत से और उसके बाद जो है ना मैंने आयतल को प्रॉमिस किया था कि मैं उसका फेवरेट कुकी उसको यहाँ से लेके दूंगी। यहाँ मॉल में ना एक शॉप है वहाँ से अच्छे अच्छे कुकीज़ मिलते हैं मुझे तो वैसे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते क्योंकि क्रिस्पी नहीं होते बहुत ही सॉगी और अजीब से होते हैं लेकिन यहाँ के बच्चों को पसंद होते हैं। वैसे मेरे बच्चों को भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है इतने मीठे कुकीज़ लेकिन यहाँ पे कभी कभी हमारा आना होता है तो जब भी आते हैं तो इनकी डिमांड होती है कि हमें यहाँ से ना कुकीज़ लेके दें। आयतल आगे आ जाओ बेटा आयतल आगे आओ ओके कौन सा लेना है जिंजर ब्रेड नहीं है मॉल में आके सबसे पहले तो बच्चों को कुकीज़ लेके दिए आयतल का मूड भी अच्छा हो गया उसे और अब हम जा रहे थे मेसिस। यहाँ से ना मुझे अपने लिए कुछ चाहिए था ड्रेस वगैरह जो कि मैं ट्रैवलिंग के लिए पहन सकूँ जो कंफर्टेबल भी हो और देखने में भी अच्छा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मिला मुझे यहाँ से। अच्छा मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके वीडियोज़ कौन बनाता है तो मेरी वीडियोज़ मैं खुद ही बनाती हूँ फ्रंट कैमरा से या फिर ट्राईपॉड से लेकिन कभी कभी जो ना अमान या फिर आयतल मुझे हेल्प आउट कर देते हैं लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है। जैसे अभी हम बाहर गए हुए थे तो अमान एक दो क्लिप्स ले लिए थे मेरे तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे लेकिन यूजली जो ना 99% जो ना मैं खुद ही बनाती हूँ या ट्राईपॉड पर रखती हूँ या फिर फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ। सिर्फ एक वीडियो जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने कैमरा से शूट की थी और मैंने आपको बताया भी था उसके अलावा जो है ना वो सभी मैं खुद ही करती हूँ और इजी होता है मैनेज करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अकेले शॉपिंग करते हुए ना कभी कभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है लेकिन माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो कभी कभी मुझे मशवरा दे देते हैं। ये शर्ट कैसी है अम्मा? अच्छा ले लूं चलो आप कह रहे हो इसलिए ले लेती हूँ अच्छा लग रहा है। यहाँ मॉल्स में वैसे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ड्रेसेस की लेकिन जिस तरह के कपड़े हमें चाहिए होते हैं ना बस वही नहीं मिलते हमें तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद कभी जाके कोई एक आधी चीज़ मिल जाती है तो ऐसे ही घूमते फिरते मैं शॉपिंग करती हूँ। अक्सर आप लोग पूछते भी हैं कि आप कहाँ से कपड़े लेती हैं तो मेरा कोई एक जगह जो है ना फिक्स नहीं है जब भी जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ अपने लिए कपड़े और जो मुझे अच्छे लगते हैं सूटेबल लगते हैं मैं वो ट्राई कर लेती हूँ। तो अभी ये दो शर्ट्स मुझे अच्छी लग रही थी और इनमें से ये वाली शर्ट जो है ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने सोचा कि ये कुर्ती स्टाइल है तो ये ले लेती हूँ। नीचे जो है ना एक लूज़ कट में जीन्स ले लूँगी मैं।
मुझे जिस तरह का ड्रेस चाहिए था अपने लिए वो तो नहीं मिला, लेकिन ये कुर्ती मैंने ले ली क्योंकि कभी कभी ही इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो फुल स्लीव्स थे और लूज कट में थे, इसलिए मैंने सोचा कि लेंथ भी अच्छी है, ले लेती हूँ। और $20 की ये मुझे मिली थी मेसी से। और इसके बाद हम दो तीन और जगहों पर भी गए, लेकिन कुछ भी काम की चीज़ जो है ना मुझे नहीं मिली। टाइम तो वैसे भी काफ़ी है मेरे पास, तो बस आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से तैयारी होती रहेगी। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो 10 दिन है इसमें मैं अपनी जो तैयारियां हैं ये वाली ये कंप्लीट कर लेती हूँ जितनी मुझसे हो सकती हैं। और उसके बाद जो है मैं रमज़ान से 3 वीक्स पहले जो है ना रमज़ान की प्रॉपर तैयारी शुरू कर दूँगी, आपके साथ भी वीडियोज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप साथ साथ जो है ना रेसिपीज़ भी शेयर करें। तो अभी मैंने क्योंकि अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा रही हूँ। अभी सबसे पहले तो मुझे शॉपिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद घर को भी डीप क्लीन करना है बच्चों के साथ मिलके, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां, तो उनके जो रूम्स हैं वो अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, जो भी चीज़ें उनको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा हैं वो सब निकाल देंगे और डोनेट कर देंगे, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं और संभालना उनको मुश्किल हो गया है, इसलिए डी क्लटर कर लेंगे ना तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। एक्चुअली वेट ही कर रही थी बच्चों को छुट्टियां हो स्कूल से, क्योंकि मार्डी ग्रा होता है ना यहाँ पे लोकल फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से फिर बच्चों को 10 दिन की छुट्टियां होती हैं यहाँ पे स्कूलों में। तो बस इन्हीं छुट्टियों में ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर रमज़ान की तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ पे ये जो सारे कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं ना ये भी सारे मार्डी ग्रास से ही रिलेटेड है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो इंशाल्लाह आपके साथ ना आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँगी जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं बहुत टाइम से। जैसे मुझे ये बहुत लोगों ने पूछा था कि मैं अमेरिका कैसे आई और यहाँ पर किस तरह से कोई आ सकता है और सेटल कैसे हो सकता है अमेरिका में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। जो भी मेन पॉइंट्स थे ना वो सब मैंने लिख लिए हैं, बस मैंने अब बैठ के एक जगह पे आराम से एक वीडियो बनानी है और उसमें आपके साथ डिटेल में सारी बातें शेयर करनी है। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो 4-5 वीडियोस ऐसी हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की हुई है और मैंने उस पर काफ़ी काम भी किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इन्हीं 10 दिनों में ना ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से हमने थोड़े नूडल्स लिए क्योंकि बहुत मज़े के होते हैं, होते बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन फ्लेवरफुल होते हैं, और होता तो बहुत कुछ है यहाँ पे लेकिन हलाल नहीं होता। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे जो ना मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे। बस इसके बाद हम वापस घर जा रहे थे और हस्बैंड मेरे बिज़ी थे, इसलिए फिर मैंने पहले तो चेक किया कि ऊबर कॉल करती हूँ, लेकिन सर्चिंग चल रही थी और इतना ज़्यादा उसका रेट आ रहा था, तो फिर मैंने टैक्सी कॉल किया अगेन और ऐसी टैक्सी आई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब देखने में ठीक थी लेकिन जब चलती थी ना तो उसमें से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी कि बंदा परेशान हो जाए। और अम्मा ने इतनी मज़े की बात की, मुझे तो इतनी हंसी आई मैं आधा रास्ता हंसते ही रही। वापसी पे आयतल को तो मैंने अपने साथ ही बिठाया था क्योंकि जाते हुए मेरी बेटी जो है ना बड़ी मुश्किल से बैठ के गई थी, तो मैं चाहती थी घर जाते हुए ना इसका मूड ख़राब ना हो। और अली जो है ना वो खूब इंजॉय कर रहा था और पूछ रहा था कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। हम जब घर वापस आए तो असर का टाइम हो रहा था, तो बस असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये पैकेज जो मेरा आया हुआ था मैंने सोचा ये भी ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने ना शीन से ऑर्डर किया था, तो ट्रैवलिंग के लिए ना इस तरह के बैग बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें जो भी यूज़ की चीज़ें हैं आपके शैम्पू क्रीम जो कुछ भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लें और कहीं पर भी इसे हैंग कर लें तो आपके लिए यूज़ करना ना बहुत ईजी हो जाता है। और इसके अलावा एक मैंने छोटा सा बॉक्स भी मंगवाया था जो कि मेडिसिन बॉक्स है, तो इसके अंदर आप अपनी मेडिसिन रख सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं इकट्ठी कर रही हूँ और इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड कर रही हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।